to Metro TV. Now time for entertainment news. रमन इशुता के सामने आया आलिया आदि और मिहिरी के लव ट्रायंगल का साज। एक बार फिर से उलझ गई है इशुता के परिवार की डोर। क्या है पूरी स्टोरी, सो हैव अ लुक। इशिता और रमन की लव स्टोरी जैसे ही शुरू होती है कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके बीच में जरूर आ जाती है। भल्ला परिवार में एक और नई मुसीबत आ गई है। पिछले एपिसोड में दिखाया गया कि मिहिर का एक्सीडेंट हो गया है और इस बात को लेकर पूरा परिवार परेशान है, लेकिन कोई और भी है जो मिहिर के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान है। देखिए मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, प्लीज अपना काम कीजिए, मिहिर को कुछ नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों आदि और आलिया के बीच चल रही दोस्ती को दर्शकों ने नई लव स्टोरी की शुरुआत के तौर पर देखना शुरू किया था, लेकिन इस लव स्टोरी में भी लव ट्रायंगल आ गया है। जहां आदि आलिया को पसंद करते हैं इस बात का पता इशुता को है और उनके साथ ही रमन को भी यही लगता है कि आदि और आलिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। आलिया इस बात से अनजान है कि आदि उसे प्यार करता है और मिहिर के एक्सीडेंट के बाद एक नए ही सच सामने आ जाता है कि आलिया आदि से नहीं मिहिर से प्यार करती है। अब एक तरफ जहां आलिया मिहिर के लिए परेशान हो रही है तो दूसरी तरफ ईशा माँ का बेटा आदि आलिया के लिए परेशान है। क्या करेगा हा? मेरे ऑफिस में खड़ा होके मुझे धमकाना है, तेरी औकात क्या है हा? उसके लिए वो तोड़ फोड़ पर उतर आया है, साथ ही बेहद गुस्से में भी नजर आ रहा है। अपने गुस्से को लेकर खुद आदि ने भी बताया कि वो लंबे टाइम बाद गुस्से में क्यों है। आदि काफी सालों बाद गुस्सा हुआ है और आदि को जब गुस्सा आता है तो वो बहुत ही भयंकर वाले मूड में चला जाता है, भयंकर मूड में चला जाता है। और अभी ऐसा ही हुआ है बिल्कुल। जब वो एक होता है ना फ्रस्ट्रेशन वाला दिल टूटना, तो वैसा हो गया है। मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, इरिटेट हो गया हूँ कि भाई क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था। मुझे तो लगा था कि सब कुछ सही होगा, सब जो लड़की है वो मुझसे ही प्यार करती है, पर ऐसा नहीं हुआ। और फाइनली मेरे को पता लगा तो मेरी हालत ऐसी हो गई। वेल, आदि आपके साथ साथ इस बारे में उनकी प्यारी ईशा माँ को भी पता चल गया है। ईशा माँ को भी पता चल गया है, सबको पता चल गया है बेसिकली। मेन अभी ईशा माँ को भी पता चला है। उन्होंने संभालने की कोशिश की मुझे, पर मैंने उनके ऊपर भी गुस्सा कर दिया और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं मारे जा रहा था, गुस्सा करे जा रहा था और खुद को मारे जा रहा था, तो बहुत हर्टिंग था मेरे लिए वो चीज़। वेल, अब इशिता और आदि इस बात से परेशान तो है, लेकिन हर बार की तरह आदि की ईशी माँ इस टेंशन को भी खत्म कर देगी। और वही मिहिर के प्यार में पागल सुबह से रो रो कर अपना बुरा हाल करने वाली आलिया तो बेहद ही टेंस है। इस बारे में आलिया का कहना भी कुछ यूं है। सुबह से मैं रो रही हूं, मैं बहुत टेंस हूं मिहिर के लिए। तो हाँ, सुबह से मैं बहुत ज़्यादा रोना धोना मेरा चालू है मिहिर के लिए कि वो ठीक हो जाए। और हाँ, आज मैंने कन्फेस कर दिया है अम्मा को कि मैं मिहिर से प्यार करती हूँ। आलिया ने अपनी इशुता अम्मा को मिहिर के लिए अपने प्यार का कन्फेस कर दिया है, तो इशुता भी इसको लेकर टेंस हो गई है। अम्मा बहुत टेंस हैं, उनका रिएक्शन तो मतलब क्या ही बताऊँ, आपने देखा होगा, शायद कैप्चर किया होगा। तो शी इज़ प्रीटी लिटिल शॉक्ड राइट नाउ। और उन्हें इस चीज़ का भी दुख हुआ कि उन्हें पहले ये लग रहा था कि शायद मैं और आदि यू नो एक साथ हैं और एक दूसरे को लाइक करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक पिछले सीन हमारा एक गया है, उसमें भी उनको हिंट हो गया था कि शायद मेरा मिहिर के साथ कुछ है। तो अब आज उनको यू नो कन्फर्म हो गई ये चीज़ कि आई लव मिहिर। वेल, इस बात को सुनकर इशिता तो और भी परेशान हो गई है। रमन और इशिता की मुसीबत तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इशिता तो पहले शगुन और अपनी बेटी पीहू को लेकर टेंस थी, लेकिन अब आलिया आदि और मिहिर का लव ट्रायंगल उनके लाइफ में एक नया भूचाल ले आया है। अब आने वाले एपिसोड में देखना मजेदार होगा कि किस तरह से इशिता आलिया को समझाएगी और इस बात को घर वालों के सामने कैसे लेकर आएगी। आलिया ने अपने प्यार का इजहार इशिता के सामने तो कर ही दिया है, लेकिन क्या इशिता इस लव ट्रायंगल को सुलझाने में कामयाब होगी, इसको जानने के लिए सीरियल का इंतजार करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट डेस्क, मेट्रो टीवी।
वेल एंटरटेनमेंट खबरों में इतना ही, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए भी वेद मेट्रो टीवी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।